अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ऐसे आप सब उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसमें मैंने जो एमसीक्यूज निकाले हैं वो ये हैं, विच प्रोसेस इन्वॉल्व माइटोसिस, इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस है वो माइटोसिस में करता है, तो इसमें नंबर बी आएगा। तो आप देखिएगा, मेरे पास लाजमी उतार लेगा, वीडियो स्टॉप कर देंगे। व्हाट अकर इज माइटोसिस ऑफ माइटोसिस, इसके अंदर ए ऑप्शन है। इसके मैंने 3-4 ऑप्शंस बनाए हुए हैं जिसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द मिसमैच, इनमें से मिसमैच कौन सा है। विच प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोफेस इन एन एनिमल सेल, कौन सा प्रोसेस है जो कि एनिमल सेल के अंदर होता है। सेपरेटिंग गंदगी वाला सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजी चेंजेस बाय विच सेल कमिट सरेंडर, यानी इसके अंदर एपोप्टोसिस आएगा। चूज इन करेक्ट स्टेट में रीग्रोथ मियोसिस के अंदर डी है। अब टाइप सेल, अ टाइप सेल डिवीजन इन विच स्पोर्स मदर सेल रियल स्पोर्स मियोसिस, स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड इज द पोल्स एंड देयर मूवमेंट चेंजिंग, इसके अंदर डी है। टेलोफेज, स्टेज ऑफ मियोसिस इन विच सेंट्रोमियर इन शॉर्ट एंड एंड पेयर क्रोमेटिड एंड आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर एंड फेज टू, विच पेयर ऑफ होमोलोजस क्रोमोसोम फिल अप सेपरेट कॉल्ड नॉट ए। सही फिंगर ब्लैंक है कुछ, आप ये देख लें अपने पास, ये बिल्कुल आप वीडियो स्टॉप करके सारे उतार लें। और अगर आपको इसमें फिंगर ब्लैंक अभी नजर नहीं आ रही जो पहले से फिल हुई है, तो आप अपनी रीडिंग करें। ऐसे आपको एक एमसीक्यूज में नजर पड़ेगी तो दूसरी भी आप लाजमी पढ़ेंगे, सारा पढ़ते चलेंगे, तो उससे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके बाद ये सेल्फ एमसीक्यूज है जो मैंने खुद बनाया, क्रोमोसोम कैन हेरिडिटी यूनिट जीन्स। उसके बाद है पीरियड्स ऑफ सेल साइकिल, इसके अंदर है जीवन फेज। उसके बाद है क्रोमोसोम स्टेट ऑलरेडी डेवलप कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड इन डैश टाइप ऑफ डेड सेल इज कॉज एक्सटर्नल फैक्टर इज कॉल्ड इन्फेक्शन टैक्सोन एंड नेक्रोसिस। द पेयरिंग ऑफ होमोलोजिस इज नॉन एज लेप्टोटीन विच बायोवेलेंट इज कम्पोज ऑफ 4 क्रोमेटिड एंड देयर इज ऑलवेज नॉन एज बायोवेलेंट डेंड्राइट्स। होमोलोजिस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पेयर्स ऑफ क्रोमेटा एंड द लास्ट थर्ड लार्जेस्ट एंड द लास्ट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया मॉडल पेपर के अंदर भी। डैश 19 क्रोमोसोम नंबर कॉन्स्टेंट जनरल टू जनरेशन मियोसिस जर्म क्रोमोसोम इज गिवन 1882 फिल्मिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नया एमसीक्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।